हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर अनीस। आज आप लोगों को गांठ के बारे में बताएंगे। तो गांठ क्या है उसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे और उसका होम्योपैथिक मेडिसिन भी बताएंगे और कुछ एक्सरसाइज भी आप लोगों को बताएंगे जिससे आप गांठ से निजात पा सकते हैं। तो गांठ को अंग्रेजी में लाइपोमा बोला जाता है। अब लाइपोमा को बॉडी के ऊपर जो एक्स्ट्रा ग्रोथ होता है उसी को लाइपोमा बोलते हैं। जो शरीर के ऊपर ऊपर उभर जाता है उसी को लाइपोमा बोलता है। ये जो गांठ होती है अगर हिलती डुलती है तो खतरनाक नहीं है। अगर गांठ हिलती डुलती नहीं है तो वो खतरनाक है। तो आप इसका बारीकी से जांच करवा लें, उसके बाद मेडिसिन लें। गांठ का होम्योपैथिक में बहुत ही बेटर ट्रीटमेंट है। गांठ एक चीज और देखते होंगे, किसी किसी के पूरे शरीर में गांठ होता है, किसी किसी को एक दो है, किसी को हाथ पे है तो किसी के गाल पे गांठ है, कहीं भी हो सकता है। गांठ को आसानी से परिभाषित बता दिया, अगर हिलता डुलता है तो कोई खतरनाक नहीं है, लेकिन जब हिलता डुलता नहीं है तो वो खतरनाक है। उसका जांच करवा लें और आप उसके बाद इलाज करवाएं। क्या है तो इसके लिए आप घर पे एक्सरसाइज भी करें, जैसे अनुलोम विलोम, प्राणायाम या फास्ट रनिंग, तेज से चलें, जितना इच्छा उतना चलें। इसके बाद आप होम्योपैथिक मेडिसिन लें। उस होम्योपैथिक मेडिसिन का नाम है कल्केरिया फ्लोर। आप एसबील कंपनी का ले लें, कल्केरिया फ्लोर 6x, और उसे आधे कप पानी में चार चार गोली 3 बार खाएं। उसके साथ एक दवा और ऐड कर लें। उस दवा का नाम है ब्रानिया। ब्रानिया आप 200 पावर में ले लें और सुबह शाम 2 बूंद खाएं, और कल्केरिया फ्लोर जो है चार चार गोली 3 बार खाएं। ब्रानिया 2 बूंद तो बस आप 2 ही बूंद यूज करें, और कल्केरिया फ्लोर 4 गोली तो 4 ही गोली आप 3 बार खाएं। कच्चा लहसुन प्याज आप ना खाएं। आपके जो गांठ है वो तुरंत सुधार होगा और गांठ ठीक हो जाएगी कुछ दिन ऐसा करने से। अगर कुछ मन में वीडियो देखने के बाद डाउट होता है तो आप नज़दीक के फिजिशियन से जाकर समझ कर तब मेडिसिन उपयोग करें। लेकिन फिर आप लोगों को एक बात बतलाएंगे, होम्योपैथिक में गांठ का बहुत ही बेस्ट ट्रीटमेंट है और बहुत ही आसानी से गांठ खत्म हो जाती है, और गांठ को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर शरीर में है तो आप फिर नज़दीक के फिजिशियन जाके दिखाएं और उसका दवाई लें तो गांठ ठीक हो जाती है। ऐसे तो आप इस वीडियो के माध्यम से बताए दिए कि जो उसका क्या है वो आप लोगों को हम बताए दिए हैं। तो मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। आगे भी हम इसके माध्यम से कुछ न कुछ आप लोगों को बतलाते रहें।